हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे अमेरिकन टूरिस्टर की, जो मैंने मंगाया फ्लिपकार्ट से। 26 इंच का अमेरिकन टूरिस्ट जो कि फ्लिपकार्ट से मंगाया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से कलर का निकला है, जो कलर हमने मंगाया था क्या ये वही निकला है। इसमें हम देखेंगे क्या ये डबल व्हील है या सिंगल व्हील है। इसमें हम देखेंगे इसके लॉक्स सिंपल वाले लॉक्स है या TSA लॉक है। और हम इसमें देखेंगे कि कितना सामान आ सकता है, इसकी बॉडी कितनी हार्ड है, और 24 इंच का सही रहता है, 26 इंच का सही रहता है, या सही साइज है 28 इंच का। तो आइए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। मैंने टील कलर का सियान कलर का मंगाया था, जो कि बबल टेप से पैक हुआ हुआ है। अब हम इसे खोल कर देखते हैं कि कैसा है। मैं ये बॉक्स और बबल टेप दोनों ही संभाल के उतार रहा हूँ, ताकि अगर मैं इसे यूज ना करूँ तो संभाल के रख सकूँ उस वापस कार्टून में डालकर। इसलिए मैं इसे बड़े ध्यान से उतार रहा हूँ। ये ध्यान से नहीं उतर पाई। कलर तो वही है जो मैंने वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर देखा था। कलर ये वो वही है जो मैंने वेबसाइट पर देखा था, कैमिलियन कैटेगरी का ये लगेज ट्रॉली है। आइए अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें तीन हैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एक हैंडल आपको दिखा देता हूँ। ये है एक हैंडल, हैंडल नंबर टू, जो कि यहाँ पर होता है ताकि हम इसे ऐसे पकड़ के कैरी कर सके। और ये हैंडल नंबर थ्री, जो कि आप ड्रैग कर सकते हैं इसे रोड पे आराम से। आप रोड पे इसे ड्रैग कर सकते हैं बड़े ही आराम से। आप इसे रोड पे बड़े ही आराम से ड्रैग कर सकते हैं। अगर वेट होगा इसमें तब भी आपको उठा के नहीं लेके जाना पड़ेगा, लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। ये आपको ये वाला हैंडल यूज करने का तरीका ये है कि पहले आप इसे प्रेस करिए, जो यहाँ पर बटन है उसको ऊपर ले जाइए, और आप जैसे ही बटन को छोड़ेंगे तो यहाँ पे लॉक हो गया इस तरह, और इतना ये साइज हो गया हैंडल का। तो वापस आप इसे प्रेस करेंगे, आप इसे प्रेस करके इसका साइज अप डाउन करके चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कितने स्मूथली ये हो रहा है, ये बीच में रुक भी नहीं रहा है, ये देखिए। और इसको हम यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे हमें कार्ड मिला है, 3 साल की वारंटी है इस कार्ड पर। आइए आपको पास से दिखाता हूँ। 3 साल की ग्लोबल वारंटी है, आप इसको फायदा उठा सकते हैं 3 साल के अंदर अंदर जब से आपने खरीदा है वहां से। तो ये कार्ड हमें संभाल के रखना पड़ेगा अपनी इनवॉइस के साथ। चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। आइए हम इसे अब खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। आप यहाँ पे इसे खोलकर यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दो हैंडल के पाइप दिख रहे होंगे, जो कि पीछे से ही हैंडल है, इसीलिए वो यहाँ पे इम्प्रेशन दे रहा है। यहाँ पे पाइप से और यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। आप देखिए काफी स्पेस है इसमें।
इसमें आपको लॉक के इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, अभी हम देखेंगे। इसमें आपको लॉक के इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, अभी हम देखेंगे कि लॉक TSA है या सिंपल है वो। ये सिलिका जेल है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर नहीं आने देता, ये इसीलिए इसमें होता है चीजों में, जैसे आपने बॉटल में देखा होगा, सॉक्स में, जूतों में डल के आता है, तो ये सिलिका जेल बोलते हैं इसे। यहाँ पर फिर इस वाले सामान को बंद करने के लिए अपर साइड के जिप है, जो कि सिंगल जिप है, अंदर अंदर ये सिंगल जिप है सिर्फ। और यहाँ पे सामान को रखने के लिए एक बेल्ट है, सेफ बेल्ट। और इसको हम एक बार कर देते हैं बंद, ताकि हम देख लें अब लॉक इसमें कौन से है। गाइस इसमें जो जिप दी हुई है वो डबल जिपर है, ये देखिए डबल जिपर है, और बहुत ही स्मूथली ये जिप चल रही है, बहुत स्मूथली चली है, डबल जिपर है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब इसको हम लॉक देख लेते हैं। लॉक यहाँ पे हमें सिंपल लॉक मिल रहा है, जो कि कोड से ओपन होगा, ये TSA लॉक नहीं है। TSA लॉक में क्या होता है, यहाँ पे एक एडिशनल की का ऑप्शन होता है, जो खाली कस्टम ऑफिसर एयरपोर्ट पे होते हैं उन पे भी वो उसकी सेम की होती है, तो वो TSA लॉक होता है। ये TSA लॉक नहीं है, ये खाली सिंपल कोडिंग वाले लॉक है, जिसमें 000 अभी डल के आए। अगर इस लॉक को खोलना होता तो आप यहाँ से बस इसे प्रेस कर दीजिए, ये दोनों निकल गए। आप यहाँ से इसे लगाइए अपनी दोनों जिप्स को, और यहाँ से अपना कोड सेट कर दीजिए तो ये लॉक हो जाएगा, ताकि कोई खोल ना पाए। लेकिन अगर आप इसे खोलना है तो आप यहाँ से अपने कोड लगाइए तीनों, जो कि 000 है, और यहाँ से प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये आपके जिप्स खुल जाएंगे और आपका लगेज अनलॉक हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसमें कितने व्हील्स आए। अब हम देखेंगे कि इसमें जो व्हील्स लगे हुए हैं वो व्हील्स कैसे है। ये देखिए आप यहाँ पे व्हील्स देखिए, 360 रोटेट होने वाले व्हील्स है, लेकिन ये सिंगल व्हील्स है। कुछ लगेजेस में ये डबल व्हील्स आते हैं, जिसमें एक नहीं दो व्हील यहाँ पे होते हैं, तो 2, 2, 2 और 2 करके व्हील होते हैं, जो कि टोटल 8 व्हील्स होते हैं। आप ये व्हील्स देखिए, आपको मैं ये चलाकर दिखा देता हूँ रूम में। तो देखा आपने ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए गाइस, मैंने ये 26 इंच का इसीलिए मंगाया है, क्योंकि 28 इंच का अगर होता तो वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, और अगर 24 इंच का हम करते हैं तो उसमें सिर्फ एक जने के कपड़े आ सकते हैं, लेकिन 26 में एक जने के भी आ सकते हैं और दो जनों के भी आ सकते हैं विद एप्रोप्रिएट साइज। अगर आप साइज देखेंगे तो ज्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत एप्रोप्रिएट साइज है, बिल्कुल सही है। आपको कहीं भी कैरी करना है, आपको कार में रखना है, आपको ट्रेन में जाना है, आपको इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, ये कैरी करने में बहुत इजी है। मैं आपको जिप बंद करके इसको एक बार कैरी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कैरी करने में बहुत सही है, इसका एप्रोप्रिएट साइज है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके लिए ये सूटेबल इसलिए रहेगा क्योंकि इसका साइज बहुत सही है। आप ऐसे देख लीजिए या पतले में देख लीजिए, विड्थ में देख लीजिए, ये साइज बहुत सही है, इसीलिए मैंने भी 26 इंच का ही अपने लिए अप्रोप्रिएट समझा। मुझे पर्सनली लगता है अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि 26 इंच का बेस्ट रहता है। अगर आप 24 इंच का लेते हो तो उसमें एक जने का सामान आराम से आ सकता है, एक पर्सन का आ सकता है, लेकिन जब आपके साथ कोई और भी जा रहा है तो दो के में थोड़ी चिंता वाली बात हो जाती है। अगर आप देखें कि ये 26 इंच का है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं 24 इंच का, तो वो कितना छोटा हो जाता है। अब ये देखिए 24 इंच का
अगर आप अपना सामान लेके जाते हैं और उसमें लैपटॉप भी आ जाता है और सारी चीजें, तो फिर 24 इंच का आपका कम पड़ सकता है। तो 26 इंच बहुत अप्रोप्रिएट है, 28 मेरे को ज्यादा बड़ा लगता है, हो सकता है कईयों के लिए 28 ठीक हो, लेकिन मेरे को 24 का छोटा लगता है और 26 इंच का ठीक ठाक लगता है। तो मैंने इसीलिए 26 इंच का मंगाया। इससे पहले भी मैंने एक मंगाया था, वो भी मैंने 26 इंच का ही मंगाया था, अमेरिकन टूरिस्ट, आपको मैं दिखा देता हूँ, वो यहीं पर है मेरे पास रेड कलर में है। ये देखिए, आप बताइए अपनी राय कमेंट में। अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके मुझे एनकरेज कीजिएगा।